गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया गेट पर फाइनली। टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। देखो दिखाते हैं आपको इंडिया गेट का व्यू। ये देखो हाँ, सही लग रहा है ये। इधर देखो सनसेट हो रहा है लेफ्ट साइड में। और बाकी इसके मैं अभी कुछ सिनेमेटिक्स व्यू भी ऐड कर दूंगी, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर संडे की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, देखिए बहुत ही भीड़ है। और मेरा भाई ये देखो सबसे आगे भागता जा रहा है, खो जाएगा यहाँ पे। मेरा भाई ना गुस्सा होके बैठ गया है, पता नहीं किस बात पे। देखो बंदर जैसा मुंह बना लिया है। अब सब लोग इसे मनाने के लिए जा रहे हैं। देखो नंबर लगा लगा के भाई। चलो गाइस आप लोग भी मेरे व्लॉग को शो घूम लो पूरा इंडिया गेट। देखो ये देखो बंदर की तरह यहाँ पेड़ पर लटकने लगा। इसकी हरकतें सब जगह चालू हो जाती हैं। इंडिया गेट में देखिएगा गाइस अभी लाइटें जलना स्टार्ट हो गई, कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। टाइम हो चुका है 6:30 बज गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा फोटो शूट कर लिया। अब मैं इंडिया गेट के पास भी जाकर फोटो शूट को कर लेते हैं जाकर डन। यानी उसके बाद में कुछ खाएंगे पिएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जाने में हमें फिर देर भी हो सकती है। 6:30 बज गए और सामने आपको मैं सनसेट दिखा देती हूँ। सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए, बहुत ही एकदम लाइट सा व्यू आ रहा है। बाकी ठीक लगा यहाँ आके, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट हो गया। अभी तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या करना है। फिलहाल तो खाएंगे पिएंगे ही जाके आगे। This is the crowd. There is too much humid guys, so because of that I'm just feeling like vomiting and I'm also hungry, so just searching for the food right now. Also I want to drink something. Okay. So I think we are come on the wrong place. Because it is just like round and round. So now we are going to the right place from the exit gate. And the timing is also you can see 6:46. And this is the evening timing and it is nice and the Karta Vyapat. And photo shoot is also happening in, and also too much guys is also doing the vlogging. Also I am doing the vlogging. मुझे ना नहीं सॉरी मुझे नहीं मेरे सिस्टर को अभी हम लोग उधर से निकल गए थे तो एक लड़की बोली ये तो फरकावादी ब्लॉगर है। मेरी सिस्टर दिखता है, उसने मुझे जस्ट बताया जिस तरह से कह के निकल गए। मुझे लगा वाओ दिल्ली में भी लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं। अभी आइसक्रीम ले लो यहाँ पर। अभी ना दिल्ली में G20 की वजह से काफ़ी साफ सफाई चल रही है, यहाँ से खाने की सारी दुकानें हट गई हैं, ओनली आइसक्रीम लगी हुई है। तभी जस्ट दीदी गिन रही है, सबके लिए आइसक्रीम ले रहे हैं हम लोग। ले लेते हैं आइसक्रीम, ये भैया दे रहे हैं आइसक्रीम को। ये हमारी अगर मेट्रो स्टेशन गए तो मेट्रो स्टेशन पे जाकर सबसे पहले मोमोज खाएंगे, भूख लगी बहुत तेज। यहाँ पे तो कुछ है नहीं खाने के लिए G20 की वजह से। कैसी लगी आइसक्रीम, मजा आया? सब तुम्हें कैसी लगी? बहुत टेस्टी। सब हम लोगों ने यहाँ पर मोमोज खाए और इतनी ज़्यादा मिर्च लग रही, सब खाने पीने में लग पड़े। देखो ये देखो, अरे मोमोज का स्टॉल
सबको मन की बात। मुझे भी लगी है। और फिलहाल अभी हम लोग पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से, हम सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है हम 10 मिनट बस का वेट करेंगे। बस आती है तो बस से चलेंगे, नहीं तो फिर मेट्रो से तो अपना पक्का है ही चल रहा। और सामने का रोड का व्यू भी आप लोग चेक कर लीजिए, दिल्ली की रोड चल रही है और ये पटेल चौक के नियर अबाउट का व्यू है। ये पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, उसी के नियर का यह व्यू है जस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर आउटसाइड। फाइनली हमें बस मिल चुकी है बट एक जगह से हमको बस चेंज करनी होगी और हम सारी सिस्टर्स अभी का प्लान कुछ इस तरह से है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं कल रात में क्लिप एंड करना भूल गई थी इसलिए मैं एक क्लिप सुबह शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल रात में आके हम लोग थक गए थे और फिर मैंने खाना पीना खाया और मैं सो गई, इसलिए सुबह मैं क्लिप शूट कर रही हूँ। तो मेरी जो दोनों दीदी हैं डावा वापस आ रही हैं, दीदी का डेली में एग्ज़ाम था तो दीदी एग्ज़ाम देने के लिए आई थी और मेरे मम्मी और सारे लोग खुरखवा से आ रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने सोचा कि सबसे मिल लेते हैं फिर चले जाएंगे वापस। तो अभी उनको नीचे चलते हैं छोड़ने के लिए एंड मामा उनको दिल्ली रेलवे स्टेशन तक छोड़ आएंगे, रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन करके वहाँ से चली जाएंगे। और हम लोगों का प्लान इस तरह से है कुछ कि हम लोग अभी कहीं पर घूमने जाने वाले हैं, कहाँ घूमने जाएंगे ये अभी डिसाइड नहीं किया है, जल्दी डिसाइड करते हैं। और मैं देखो मतलब भूत तो नहीं लग रही, ठीक ठाक लग रही है। अभी जाऊंगी नहा धो के रेडी हो जाऊंगी, फिर चलते हैं किसी मस्त जगह पर घूमने के लिए, बट उसका ब्लॉग एक न्यू आएगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना एंड सभी के साथ में शेयर करना। मेरे चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही ट्रैवल, लाइफ स्टाइल, फूड से रिलेटेड ब्लॉग्स मिलते रहते हैं, तो जल्दी से जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। देर किस बात की कर रहे हैं, मिलते जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।